हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में अपन ने इमेजेस के बारे में पढ़ा था प्लेन मिरर के द्वारा। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वह इम्पोर्टेंट है, जो तो आपको राइटर क्लास में भी काम आएगा। तो आज हमारे टॉपिक का नाम क्या होगा? स्फेरिकल मिरर। देखिए, स्फेरिकल मिरर क्या होता है? आपके पास कोई होलोस्फीयर हो, होलोस्फीयर का मतलब जैसे प्लास्टिक की बॉल नहीं होती क्या, वो क्या होती है? होलोस्फीयर होती है। आपके पास कोई होलोस्फीयर हो और उसका एक पार्ट ऐसे कट कर लिया जाए, उस जो आपने जो पार्ट कट किया ना, उस पार्ट को अगर आप क्या कर देते हो, एक साइड से पॉलिश कर देते हो, या तो बाहर की ओर से पॉलिश कर जैसे पार्ट नहीं कटाइए, या फिर आप इस प्रकार से इसी साइड से पॉलिश कर देते हो, या तो बाहर के साइड से या अंदर की साइड से, तो उस पार्ट को हम यहाँ पे क्या कह देंगे? स्फेरिकल मिरर कह देंगे। तो क्या कह दोगे? ए पार्ट ऑफ होलोस्फीयर विच इज पॉलिश बाय वन साइड इज कॉल्ड ए स्फेरिकल मिरर। मतलब होलोस्फीयर का वह है पार्ट जो एक साइड से पॉलिश किया हुआ होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। यहाँ पे अब आपने पॉलिश किया हुआ बोल रहा है एक साइड से, दो साइड तो दो है यहाँ पे, एक तो बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, या आउटवर्ड साइड है ये क्या होती है? अंदर की साइड होती है। तो कौन सी साइड से पॉलिश कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइल्स बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? टाइल्स। तो आप क्या कह दोगे कि स्फेरिकल मिरर है वो दो टाइप का होता है, एक तो कौन सा होता है यहाँ पे? कॉन्वेक्स, और ये आपका सॉरी कॉनकेव, और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, दो टाइप के, कॉनकेव और कॉनवेक्स। कॉनकेव कौन सा होता है? जो कि जिसमें कि बाहर की साइड से पॉलिश कर रखा होता है, तो रिफ्लेक्टिव सरफेस कौन सा होगा? अंदर की तरफ, तो रिफ्लेक्टिव सरफेस ही हो गया। अगर आप क्या कर देते हो, अंदर की तरफ से पॉलिश कर देते हो, रिफ्लेक्टिव सरफेस कौन सा हुआ? बाहर वाला हुआ, तो वो कौन सा हो जाएगा? कॉनवेक्स हो जाएगा। तो आपके आपसे पूछा जाए कि कौन के स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो स्फेरिकल मिरर विच आउटर साइड इज पॉलिश्ड एंड इनर साइड इज रिफ्लेक्टिव सरफेस इज कॉल्ड ए कॉनकेव मिरर, एंड स्फेरिकल मिरर विच इनर साइड इज पॉलिश्ड एंड आउटर सरफेस इज ए स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड कॉनवेक्स। मतलब जिसके अंदर की सिर्फ पॉलिश और बाहर का रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है, उसे हम कॉनवेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है ना? तो दो टाइप के मिरर है, आप समझ जाना कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है। अंदर वाला रिफ्लेक्टेड है तो कॉनकेव, बाहर वाला रिफ्लेक्टेड है तो कॉन्वेक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। अब देखिए यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डेफिनेशंस हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर स्फेरिकल मिरर। देखिए यहां पे किस प्रकार से स्फेरिकल मिरर, किस प्रकार से यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है आपका पोल। कह रहा कि पोल क्या होता है? कह रहा कि आपके पास मान लीजिए कोई मिरर है, मान लीजिए मैं कौन सा मिरर ले लिया आप बताइए देखकर, कौन क्यों, ठीक है ना, इन बार की साइड से पॉलिश की है, तो उसके जो इसका जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं? पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। जो सेंटर पॉइंट ऑन द सेंटर पॉइंट ऑन द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड ए पोल। ठीक है, ये पोल होता है जिसको हम पीछे नोट करेंगे, याद रखना भी। दूसरा पॉइंट आपका आता है अपर्चर। जैसे मान लीजिए इसी इसी की अपन बात करते हैं, ये कौन सा कौन क्यों लिया, तो यहाँ पे तो इसका जो डायमीटर है मान लीजिए एम और एम डैश, जो इसी को हम क्या बोल देते हैं? अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर्चर। तो आपसे पूछा जाए कि अपर्चर क्या होता है, तो क्या बताओगे? डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड ए, क्योंकि यहाँ पे नाम दे रहा है कॉन्वेक्स या कॉनकेव, कौन सा भी लेना चाहिए, दोनों का डायमीटर क्या कहलाएगा यहाँ पे? अपर्चर कहलाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है? यहां पे जैसे मान लीजिए आपने मिरर लिया है, ठीक है, ये मिरर जिस भी स्फेरिकल मिरर का पार्ट था ना, जैसे मान लीजिए ये स्फीयर था, सॉरी जिस भी स्फीयर का पार्ट था उसका जो सेंटर होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर विच पार्ट इज ए
विच पार्ट इज इज बी है एज ए स्फेरिकल मिरर, जिसका जिसका एक पार्ट है स्फेरिकल मिरर की तरह काम कर रहा है, उसका सेंटर क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। कितने पॉइंट हो गए? तीन। फोर्थ देखिए, फोर्थ पॉइंट देखें यहां पे, फोर्थ कह रहा है कि आपके पास यहां पे फोर्थ पॉइंट आपका आ जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। कह रहा है कि ये मान लीजिए आपके पास मिरर है, ये इसका पोल बताया था, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर बताया था। कह रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती जो लाइन होती है उसे हम क्या बोल देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। याद रह जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट आता है आपका फोकस, फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट कह रहा है कि कोई मिरर है और ये इसका पोल हो गया, ये इसका सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल होती हुई लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हुई लाइन वहां पे मिरर पे टकराकर प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करती है ना, उस पॉइंट को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? फोकस पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोकस पॉइंट। तो जब भी पैरेलल लाइन आएगी वो हमेशा कहां से होकर जाएगी? फोकस पे कट करेगी, तो जहां पे कट करेगी उसे फोकस पॉइंट बोल देते हैं। तो कितने हो गए यहाँ पे? फाइव। सिक्स पॉइंट क्या कहता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब यहां पे देखिए, कह रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ये था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोल देते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फोकल लेंथ। सेवन पॉइंट क्या है यहां पे? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब क्या है यहां पे? जो फोकस थी ना, या फोकस पॉइंट है, फोकस पॉइंट और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? फोकस। इसको स्मॉल f से लिखते हैं, इसको किसे लिखते हैं? कैपिटल R से। तो याद रखना, फोकल लेंथ को हमेशा स्मॉल f से लिखा जाता है, जो कि फोकस पॉइंट और पोल के बीच की डिस्टेंस होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? पोल और सेंटर कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस होती है। तो ये सात पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं का जब तक आप ऑप्टिक्स पढ़ोगे, लाइट पढ़ोगे, इन्हीं पॉइंटों का आपका क्या होगा? यूज होगा। ठीक है, किस प्रकार से इमेज बनती हैं, कैसे बनती हैं, वो सब बातें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मैंने पहले ही बताया था, इमेज हमेशा कहाँ पे बनती है? जहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट आपस में रिफ्लेक्शन होने के बाद जो लाइट होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं या करती हुई नजर आती हैं, ठीक है ना, करती हैं तो रियल इमेज करती हुई आपको महसूस होती हैं, तो उसे हम क्या कैसे इमेज बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। दो टाइप की इमेज बनती है, रियल या वर्चुअल। तो कब वर्चुअल बनेगी, कब रियल बनेगी, कैसे बनेगी, उसके लिए बनाने से पहले हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हमें आना चाहिए, तो ही हम क्या कर सकते हैं वो मतलब डायग्राम बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो देखना यहाँ पे किस प्रकार से मैं आज जो रूल करवा रहा हूँ, मान के चले कि ऑप्टिक्स की रिंड की अड्डी रहती है, इन्हीं के आधार पे आपने 12th में भी आपका ऑप्टिक्स चैप्टर होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपकी रूल साथ आप सीख लोगे। तो देखिए किस प्रकार से रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मीडिया। फर्स्ट रूल क्या कहता है? कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे मान लीजिए मिरर है, ये कौन सा है? कॉनकेव बताया, ये इसका पोल हो गया है, ये इसका सेंटर कर्वेचर, ये इसका फोकस हो गया। ऐसे कहा था, कह रहा कि जब पैरेलल तो उन्होंने शिकायत हुई, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेज आती है ना, तो वो हमेशा फोकस से होकर जाएगी। कहां से होकर जाएगी? फोकस से। किसमें? कॉनकेव में। अगर कॉन्वेक्स होता तो
फोनक्स इस प्रकार से, इस प्रकार से उल्टा होता है इसका, एफ और सी इधर हो जाएंगे, पैरेलल जाएगी तो फोकस से जाएगी नहीं, जाती हुई नजर आएगी, टकरा के इधर बैठ जाएगी तो आपको क्या लगेगा कहां से ऊपर जा रही है, फोकस से ऊपर जा रही है। तो फर्स्ट रूल कोई दिक्कत है। सेकंड रूल, सेकंड रूल क्या कहता है, जस्ट अपोजिट है इसका, जस्ट इसका क्या है अपोजिट है, कैसे कि अगर कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, कहां से होकर जाती है फोकस से, तो वो हमेशा कहां से होकर कैसे हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, उल्टा है जस्ट अपोजिट, पैरेलल से जाती है तो कहां से होकर जाएगी फोकस से, और फोकस से जाएगी तो कहां से होकर जाएगी पैरेलल हो जाएगी। इसी प्रकार से इसमें अपोजिट हो जाएगा, ये आपको क्या लग रहा है कहां से होकर इंसिडेंट हो रही है फोकस में, कैसे हो जाएगी पैरेलल, उल्टा हो गया, पहले दो तो सेम ही प्रकार से, प्रिंसिपल से जाएगी तो फोकस से, फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल से, इसमें जाएगी इसमें जाते ही नजर आएगी, तो इसमें वर्चुअल बनेगी, इसमें कैसे बनेगी रियल बनेगी। तो दो रूल हो गए आपके पास, वैसे एक ही भी बोल सकते हो, एक ही रूल है या इसके पार्ट बना दो, पार्ट बना दो कह दो सही, ठीक है। तीसरा रूल, पीएफसी कह रहा है अगर कहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी ना, तो वापिस उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी मुड़ जाएगी, मतलब जिस रास्ते से जाते हो वापिस उसी रास्ते, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही होता है, ऐसे जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जाते नजर आ रही है ना, जाते तो वापिस उसी रास्ते से क्या हो जाएगी बैंड हो जाएगी। कितने रूल्स हो गए, तीन। चौथा रूल क्या कह रहा है, चौथा रूल सिंपल है, कह रहा कि जैसे मान लीजिए ये आपका है, ये पी हो गया है, ये एफ हो गया है, ये सी हो गया है, पोल पे जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी ना उसी एंगल से क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये थीटा है तो ये भी कितने का थीटा, यही सेम रूल इस पे लागू होता है, ये कॉन्वेक्स के लिए हो जाएगा, जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी वापस उस एंगल पे क्या हो जाएगी, ये भी थीटा है तो ये सेम रूल। इस प्रकार से ये कितने रूल्स हो गए हैं, फोर रूल हो गए। इन चारों रूल्स के आधार पे इमेजेस बनेंगी, ठीक है। किस प्रकार की बनेंगी, कैसे बनेंगी वो कल अपन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफी है, और कल आगे इमेजेस बनाएंगे दोनों मिरर के द्वारा, यहाँ तक आप करना अच्छे से रूल्स बताए ना, फिर आपको टिप्स पे होने चाहिए तो आगे कल पाओगे अदरवाइज में। ओके स्टूडेंट्स।